No development expected over the next 5 days. How about some good news, right? As we close out the week. शिक्षा पर सभी का हक है। आप भी आरती और कबीर की तुमने राम से बड़ा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जमकर हंगामे की खबर है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि आज चूंकि हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तंसीम, अभी क्या स्थिति है, हंगामे की वजह क्या रही, ये स्थिति क्यों पैदा हो गई, विस्तार से जानकारी दें। ये जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक होटल सिनेमा का इलाका है, जहां पर आज ये शोभा यात्रा निकाली जानी थी और शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपने रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान कुछ दो पक्षों में नारेबाजी को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एक छत से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में जो करीब 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखें यकीनन राजधानी दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत जरूरी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिन में जुलूस निकल रहा था, पत्थरबाजी किन लोगों की ओर से की गई, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो यकीनन वो उपद्रवी तत्व भी, उनका चेहरा भी साफ होने लगेगा। लेकिन दिल्ली को दहलाने की ये साजिश आखिर किसकी ओर से रची गई, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें, आगजनी की गई, कई गाड़ियां जला दी गई, कौन है जिम्मेदार। हनुमान जयंती का ये मौका आखिर किसकी आंखों में खटक रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं, शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले कौन लोग हैं, कई ऐसे सवाल हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, अभी की तस्वीर क्या कहती है? पूरी के जे ब्लॉक में जहां पर शोभा यात्रा के दौरान जो है वो पथराव हुआ, पथराव इस कदर किया गया, जो मॉब था उसने इलाके के जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं उनके घरों तक जाकर के पथराव जो है वो किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर घर हैं उन पर लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो है वो पथराव यहाँ पर किया मॉब ने, जिससे इलाके के लोग काफी दहशत में आ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, लोग इलाके के जो है वो यहाँ भी काफी ज्यादा दहशत में है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये मॉब आया उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और लगातार एक के बाद एक पथराव जो है वो देखें तो तमाम जो यहाँ दुकानें हैं, घर हैं, उसको यहाँ पर आग के हवाले किया गया था और इसके आसपास जो पेट्रोल पंप है उसको जलाया गया। यहाँ करीब 50 से 60 गाड़ियाँ लोकल जो लोग हैं उनको जलाई गई। देखिए यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी टेंस है सचिन, और इस बीच में जो उपद्रवी हैं, जो गुंडे हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं दंगाई हैं, वो भीड़ में शामिल होते हैं और अचानक जो है वो फायरिंग करते हैं या लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ना पता राहों में हूँ मैं अकेला खड़ा। जाऊँ कहाँ मैं कुछ ना पता राहों में हूँ मैं अकेला खड़ा। दुनिया में रहा कौन अब मेरा, ढूंढूं तुझे मैं कहाँ। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तू ही बता दे। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तू ही बता, तू ही बता, तू ही बता दे मुझे। क्यों जख्म दे, क्यों जख्म ले, क्यों दर्द दे, क्यों दर्द ले। प्यार करना सीख ले तो प्यार भी तू पाएगा। साथ चलना सीख ले तो साथ भी तू पाएगा। क्या मैंने सच ये कहा? ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तू ही बता दे। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तू ही बता, तू ही बता, तू ही बता दे मुझे।